मेलने उना द्वारा कहाँ है तेलुगु ये पुराना पुल है चंबल नदी का, जिसके ऊपर से नदी निकल रही है। क्या है वो भाई? तो जा पूरा तो आगे 50 ऊंची आई है, पूरा पानी का टक्का। काफी पानी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पिछली बार से ज्यादा है। हाँ, मैं तो वहां हूँ, मैं तो चंबल के बगल से हूँ। वहाँ पे कई गांव हैं, तो गांव वालों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका जो संपर्क है लंबे, मतलब चंबल के पास में है या ऊंचे उस टीलों पे बने हैं, तो सब चारों तरफ पानी हो गया है। वो लोग ये बोल रहे हैं कि पहले ऐसी कभी, मतलब ऐसी समस्या नहीं आई, लेकिन इस बार पानी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम है पशुओं को लेके कहाँ जाएँ। लोग तो चलो अपनी जुगाड़ सुगाड़ करके निकल भी जाएँ, लेकिन जो पशु हैं वो कहाँ जाएँ, ये समस्या बहुत ज़्यादा है लोगों के पास। और अब तो घरों में भी पानी, कई लोग छत पे अभी शरण लिए हुए हैं, छत पे बैठे हैं। उन बेचारों को ये नहीं पता कि जो दीवार है वो डैमेज हो रही है पानी के कारण, तो कभी भी वो ढह सकती है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस बार। और प्रशासन ने पता नहीं, हालांकि इंतजाम तो किए हैं, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये लोग हैं ये छतों पर बैठे हुए हैं। अगर प्रशासन के लोग उनको सही तरह से समझा पाते तो वहाँ से खाली कर देते। अगर थोड़ा सा भी पानी और बढ़ता है तो उनके जान को भी जोखिम है, क्योंकि यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा आगे जाके देखेंगे तो छतों पर बैठे हैं बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लेडीजें हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी है। चारा बिगड़ सकती है, चारा पशुओं के नष्ट हो जाएगा, जो महिला खेती है वो नष्ट हो जाएगी, और जो महिला है छोटे छोटे बच्चे हैं वो आने जाने में निकलने में दिक्कत पड़ रही है। जैसे गाँव के चारों तरफ पानी हो गया, अब बच्चे कहाँ से निकले,
जवान आदमी निकल जाएगा, बच्चे कहाँ निकले, महिला कहाँ से निकलेंगी, किसान जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहाँ से निकलेंगे। मेन समस्या पे है जो प्रशासन की ढील इतनी है कि देखभाल थोड़ी कम चल रही है। और दूसरी चीज, किसानों को दो तरफा मार झेलनी पड़ेगी, बाढ़ और बाढ़ के पीछे फिर भुखमरी की समस्या।